120 रन नहीं बना सकी पाकिस्तान टीम, इसमें कनाडा आपके ऊपर है। देखिए शर्म वाली हमारी, हम लोगों के लिए शर्म, कनाडा अपना एक मैच चुका है और पाकिस्तान ने अब तक एक मैच भी नहीं जीता। अब हम लोग, हमारी क्रिकेट को ना मेंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इंग्लैंड वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इस लेवल पे स्टैंडर्ड ले आए हैं। बिल्कुल ऐसी, पाकिस्तान को आयरलैंड से भी जीतना और पाकिस्तान को कनाडा से भी जीतना टॉप एट में रहने के लिए। दूसरी कंडीशन, आयरलैंड को जो है वो इंडिया से, यूएसए से हारना है और इंडिया को भी यूएसए से हारना है। शुरू हो गया हमारा, तो ये अगर मगर की सिचुएशन, तो ये टॉप एट में रहने के लिए एक तो आपने खुद भी जीतना है, उसके बाद आपने वो दुआएं भी मांगनी है कि 92% पे था पाकिस्तान का विन प्रिडिक्टर, 92%, इंडिया के सिर्फ 8% था। आप अंदाजा करें, 40 ओवर्स में से 32 ओवर पाकिस्तान के हाथ में मैच था, 8 ओवर्स में इन गोसड़ पप्पू ने मैच दे दिया। यार मुझे तो रात से यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से और पीसीबी के चीफ से, इन सब के सबको पकड़े हुए, इन सबको जेलों में डाले, इनको जेल में डाले, क्योंकि ये लाइक नहीं है। हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी खुशियां इससे जुड़ी हुई है और वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है, क्या कहेंगे। अब मुसलमान है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेहनत करो। बिल्कुल, क्या मेहनत का मना करें कि घर में बैठ के दुआ करो हर चीज मिल जाएगी। इनको बकरीद घर आकर मनानी चाहिए ताकि कुर्बानी करें, लेकिन चूंकि हमारा मैच 15 तारीख को बकरीद के बाद है, तो ये बेचारे वही रहेंगे, कुर्बानी वही करेंगे। अब वापसी पे कौन कौन कुर्बान होता है ये देखना होगा। लानत नहीं है यार इस तरह करके, हम सुपर एट में जगह नहीं डिजर्व करते। बस आपसी बात है, हमारी टीम सुपर एट में जगह डिजर्व नहीं करती। लोग यूएसए की हार को भूल गए थे, लेकिन इन्होंने इंडिया के हाथों ये लोग हारे हैं। किस तरीके से ये लोग जानबूझ के मैच हारे हैं। इतनी तकलीफ हुई और मुझे इस बात की, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि रात में सोने में भी तकलीफ हुई होगी, हमको नींद नहीं आ रही थी, इतना दुख था। हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी खुशियां इससे जुड़ी हुई है और वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है, क्या कहेंगे। अब मुसलमान है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेहनत करो। बिल्कुल, क्या मेहनत का मना करें कि घर में बैठ के दुआ करो हर चीज मिल जाएगी। आपने जाती करी है, अल्लाह ताला बता क्या बस कर लो, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। बिल्कुल ऐसे फैसला हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम फीलिंग्स क्या आ रही है। अब हम लोग, हमारी क्रिकेट को ना मेंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इंग्लैंड वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इस लेवल पे स्टैंडर्ड ले आए हैं। बिल्कुल ऐसी, सिर्फ क्या कि अपनी ईगो की वजह से आपने वो लड़के लेके गए जो एक फुल फिट भी नहीं है। आप वो लड़के लेके गए जो 20 ओवर्स फील्डिंग नहीं कर सकते। मुझे तो आज हैरानी हो रही है, गैरी कस्टन ने जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इट वॉज फन वॉचिंग दिस गेम, इट वॉज हाईली इंटरटेनिंग बिकॉज बाउंड्रीज नहीं लगी। 120 रन में इतना इंटरटेनिंग, वो भाई आपके लिए होगा फन, आपके लिए होगा इंटरटेनमेंट। यहाँ 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम के दिल टूट गए, लोगों की क्रिकेट से नफरत हो गई। एंड इट इज फन फॉर यू, इट इज इंटरटेनमेंट फॉर यू, इट वॉज नॉट फन एट ऑल, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, इट वॉज डिस्गस्टिंग, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, मायूसकुन, तबाहकुन, शर्मनाक। और तू, आप कोच कह रहा है हमारा कि ये फन है, इंटरटेनमेंट है। वो भाई ऐसे कोच को क्यों लाए हो आप 15 दिन पहले। जब 15वें ओवर की पहली बॉल होने वाली थी जसप्रीत बुमराह की, उस वक्त पाकिस्तान को 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के हाथ में 7 विकेटें थी। वेल सेट मोहम्मद रिजवान वॉज एट द क्रीज। रिजवान ने पहली बॉल बगैर देखे जितना शॉकिंग शॉट मारा, पूरा मैच टर्न हो गया। उस ओवर में 3 रन बने, 1 विकेट खोई। T20 के आप ऑल टाइम बेस्ट फास्ट बॉलर्स का नाम लेंगे तो उसमें बुमराह का नाम आएगा, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। यार ये 120 रन्स, आप चले 140 या 150 होते हैं ना, इतना दुख ना होता, मुश्किल होता, दुख ना होता। ये तो बनना ही बनना था। 20 रन्स, 6 रन्स पर ओवर करना, आप एवरेज 7 पे ले गए, 8 पे ले गए, 18 पे लास्ट ओवर रन छोड़ दिए। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, यूएसए की टीम को आप दे देना 120 रन, कोई भी बड़ी टीम वो आराम से पॉसिबल। ग्रुप ए का साथ साथ लगाते जाएं, उसपे भी बात करते जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज ना चलाएं।
इसमें कैनेडा आपके ऊपर है। तो देखिए शर्म वाली हमारी हम लोगों के लिए शर्म, कैनेडा अपना एक मैच जीत चुका है और पाकिस्तान ने अब तक एक मैच भी नहीं जीता, जो जॉय ट्रिप के लिए ये पूरी टीम पूरी मैनेजमेंट वहां गई है, तो वो काम तो सही से हो रहा है। जो करने गए हैं उसकी पोजीशन ये है कि दो मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं, -0.150 ये हमारा नेट रन रेट है। आप यकीन कर हमसे देखा नहीं जा रहा, आप पढ़ के सुना रहे हो आवाम को और दिन रियलिटी। ये है वर्ल्ड कप की तैयारी, ऐसे जीतोगे वर्ल्ड कप? ये हो क्या रहा है, ये किया क्या है हमारे साथ? ये इंडिया से हार गए और जाहिर है बदतरीन शिकस्त। मैं इसको मेरे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूं क्योंकि जब मैच आपके हाथ में और उसके बाद आप आखिरी ओवर्स में जाकर उनका एटीट्यूड है जीतने वाला आपको नजर ही नहीं आ रहा होता। पाकिस्तान को आयरलैंड से भी जीतना और पाकिस्तान को कैनेडा से भी जीतना है टॉप एट में रहने के लिए। दूसरी कंडीशन, आयरलैंड को जो है वो इंडिया से यूएसए से हारना है और इंडिया को भी यूएसए से हारना है। शुरू हो गया हमारा ये अगर मगर की सिचुएशन। तो ये टॉप एट में रहने के लिए एक तो आपने खुद भी जीतना है, उसके बाद आपने वो दुआएं भी मांगनी है कि बाकी दो टीम्स ने यूएसए से भी जो है वो जीतना है। वाकई में ये बदतरीन शिकस्त थी। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, 120 रन का आपको टारगेट मिला है और उन 120 रन के टारगेट के आकूब में आपने 59 डॉट बॉल्स खेली है और yes. 10 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेले। आप इंडिया को देखें, हालांकि उसकी शुरू में उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया, उसने भी मारधाड़ की, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आई। मजाक तो वाकई नहीं हो रहा क्योंकि मजाक आप दुनिया के सामने बना रहे हैं हमारा जाके क्रिकेट के हवाले से। और बाबर आजम टोटली एज अ कैप्टन फेल हुए। आप रोहित शर्मा की एग्जाम्पल ले लें कि 120 रन का टारगेट और वो बड़े काम कूल रहे। उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया, उन्हें पता था कि आखिरी ओवर में ज्यादा रन होंगे तो पहले यहीं पर इसको रोक दिया जाए। उनकी कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर बाबर आजम कब सीखेंगे? आज तक उन्होंने क्या मतलब, अगर छोटी टीमों को आप हरा कर खुशी के शादियाने बजाते हैं तो ये तो सरासर ज्यादती है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा ना हो जाए, लोग तो बड़े दिल बर्दाश्त है। 120 रन नहीं कर सकते आप तो फिर आप क्या करेंगे? इतना बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, सबके दिल टूटे हुए, इतनी तनकीद करें तो। अब जो पहली शर्त है वो जी आयरलैंड और कैनेडा को हराना है, क्या लग रही है टीम आपको आयरलैंड और कैनेडा को हराने वाली इस वक्त? देखिए इस वक्त सभी टीम गिरी हुई है और इस सिचुएशन में करेंगे दिल बर्दाश्त है खिलाड़ी, वो तो मसरूफ थे ना, वो डिनर जो चैरिटी डिनर हो रहे थे कव्वाली नाइट्स में मसरूफ थे, न्यूयॉर्क का डिनर कैंसिल हुआ, उनकी तो फोकस ही नहीं था क्रिकेट पर। आयरलैंड आपके लिए आसान हरीफ नहीं होगा, आयरलैंड से आपका मैच फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में है और फिर कैनेडा से परसों ही मैच है, यानी कि कल मैच है बल्कि 11 जून को इसी पिच पर इसी मैदान पर। तो पाकिस्तान क्या करेगा? इनको बकरीद घर आकर मनानी चाहिए ताकि कुर्बानी करें, लेकिन चूंकि हमारा मैच 15 तारीख को ये बकरीद के बाद है तो ये बेचारे वही रहेंगे, कुर्बानी वही करेंगे। अब वापसी पे कौन कौन कुर्बान होता है ये देखना होगा। अच्छा विक्सम, वैसे इसको टीम कहना चाहिए, ये बनता है इनको टीम कहना? मतलब बहुत अफसोस होता है, अल्फाज नहीं है शुएब और सबीन, क्या कह सकते हैं। ये जो मैचेस के दरमियान और खास तौर पर पाकिस्तान के मैचेस के दौरान ये जो आता है ना विन प्रिडिक्टर, यार मैं ये मशीन जला दूं, मैं आईसीसी वालों पर या ये ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होता, उधर जाकर मुकदमा दर्ज कर दूं कि भैया हमारे मैच में पाकिस्तान के मैच में या तो ये विन प्रिडिक्टर रखो ही मत, और अगर रखना है ना तो पाकिस्तान का होना चाहिए 0% टिल द टाइम के मैच खत्म हो जाए। कल विन प्रिडिक्टर बुमराह मेरा ख्याल है जब ओवर कराने आया तो शायद उस टाइम 84% पाकिस्तान का था, 16% इंडिया का था, 92% पे था पाकिस्तान का विन प्रिडिक्टर, 92% इंडिया का सिर्फ 8% था। आप अंदाजा करें 40 ओवर्स में से 32 ओवर पाकिस्तान के हाथ में मैच था। कैन यू बिलीव इट यार, 40 ओवर्स का मैच, 32 ओवर पाकिस्तान की ग्रिप में है मैच, 8 ओवर्स में इन गोसड़ पप्पुओं ने मैच दे दिया। यार मुझे तो रात से यकीन नहीं आ रहा, अचानक से कुछ हुआ है भाई, मैं तो समझ ही नहीं आई। बुमराह आया है और बुमराह ने जनाब वही मचा दी। मुझे टीम इंडिया किसी भी टाइम पे प्रेशर में नहीं नजर आई। T20 है और इनसे बाउंड्रीज नहीं लगनी तो आप छोड़ देना, आप इंडिया जैसी टीम को रहेंगे 120 करके भी
वो विन प्रिडिक्टर शिक्टर ये वो सारा कुछ ना भाई, पाकिस्तान के मैच में विन प्रिडिक्टर और इस तरह की चीजें सब बकवास है, सब दो नंबर ही है। लानत नहीं है यार इस तरह करके, हम सुपर एट में जगह नहीं डिजर्व करते।